विद्या शेरनी का दूध होती है और जिसने इसे पी लिया वो दहाड़े बगैर रह नहीं सकता। यह है नॉलेज की इंपॉर्टेंस और ये शब्द हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, जिन्होंने ये साबित करके दिखाया कि शिक्षा के दम पे, विद्या के दम पे क्या नहीं हो सकता। इस अकेले व्यक्ति ने अपने दम पे पूरे समाज को आगे की पंक्ति में लाके खड़ा कर दिया और समाज में वो सम्मान दिलाया जो पूरी जिंदगी वो खुद कभी नहीं पा पाए। तो आज अंबेडकर जी की जयंती पे हम बात करना चाह रहे हैं अंबेडकर जी के बारे में। सबसे पहले आप ये सोचिए कि आखिर ये जयंतियां मनाई क्यों जाती है? गांधी की जयंती, बुद्ध जयंती, अंबेडकर जयंती, हनुमान जयंती क्यों मनाई जा रही है? ताकि हम इस दिन बैठ के इनको याद कर सकें, इनके कैरेक्टर को याद कर सकें और इनसे बहुत कुछ ऐसी शिक्षा ले सके, इंस्पायर हो सके, आगे बढ़ सके। तो आज मैं आपको अंबेडकर जी के चरित्र से दो ऐसी बातें बताऊंगा कि अगर आपने जीवन में उसको अपना लिया तो जीवन में कोई भी आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। पहली बात वही जिससे मैंने शुरुआत की थी, नॉलेज नॉलेज नॉलेज। अभी कश्मीर फाइल्स एक बहुत जबरदस्त सुपर डुपर हिट मूवी चल रही है, उसमें एक डायलॉग अनुपम खेर जी का था जिन्होंने कहा था कि बेटा जब भी अंधकार हो ना माँ शारदा को याद करना, क्योंकि माँ शारदा, सरस्वती, ज्ञान कितने भी अंधेरा हो आपके जीवन में प्रकाश भर देता है। आप नोटिस करेंगे कितने ही लोग हैं जिनकी, कई लोग पीढ़ियों से गरीब थे, जीवन में बहुत गरीबी थी, आर्थिक संकट था, उनके परिवार में एक व्यक्ति ने विद्या पाई, एक व्यक्ति ने नॉलेज ली, एजुकेशन ली और वो आगे बढ़ा और उसने खुद का परिवार, खुद का समाज और आने वाली कई पीढ़ियां और समाज को सेटल कर दिया। यह है विद्या की पावर। और इसी शिक्षा के बल पर जो आज की डेट में भारत का संविधान है, वो भारत के संविधान के निर्माता बने, एक जूरिस्ट बने और लॉ के मंत्री भी बने, और एक व्यक्ति जिसको आदमी छूने को तैयार नहीं है, जिनकी परछाई पड़ जाए तो आदमी अपवित्र मान लेता है खुद को, वो व्यक्ति संविधान का निर्माता बना। ये थी नॉलेज की पावर। तो मेरा पहला लाइफ लेसन, आप चाहे स्टूडेंट हैं, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं, आप चाहे नौकरी कर रहे हैं, आप जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, अंधकार में हैं, रास्ता नहीं दिख रहा, एजुकेशन इज वे फॉर यू। स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कीजिए, आपकी रैंक अच्छी आती है, कॉलेज अच्छा मिलता है, आप आगे बढ़ते हैं। आप जॉब में हैं, आप अपनी इंडस्ट्री के बारे में जानिए, कंपनी के बारे में जानिए, आसपास की स्ट्रेटजीज के बारे में जानिए, आपका प्रमोशन होगा, आपको जिम्मेदारियां, बड़ी जिम्मेदारियां मिलेगी, आप करियर में आगे बढ़ेंगे। बिजनेसमैन है, बाकी बिजनेस की केस स्टडीज देखिए, बाकी बड़े बिजनेस ने क्या किया, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, उस बिजनेस को कैसे सॉल्व करें, कोर्सेस कीजिए, बुक्स पढ़िए और अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिए, फिर देखिए आपके टक्कर में कौन आता है। लर्नर्स आर अर्नर्स, लीडर्स आर रीडर्स। अब ये बात हो ही गई है तो एक दूसरी बात जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है इनके केस में, देखो ये हमको सब पता है कि ये दलित थे और उस समय दलितों की स्थिति समाज में बहुत ज्यादा अच्छी थी। ये जब स्कूल में पढ़ने गए, ये अपने स्कूल के पहले दलित विद्यार्थी थे, इनको स्कूल में घुसने से रोका गया, जैसे तैसे पहुंचे, क्लास में इन पे बैन लगा दिया, सभी बच्चों ने कहा कि ये अंदर आएगा तो भैया क्लास अपवित्र हो जाएगी, हम पढ़ने नहीं देंगे, और इनको क्लास के बाहर बिठा के पढ़ाया जाता था कि तुम बाहर बैठो भैया, खिड़की से आवाज सुन लेना, और अगर आपकी ऐसी बेइज्जती हो जाए तो आप कहीं मीटिंग में जा रहे, आपको कह दे अंदर मत आना भाई, बाहर से सुन ले, आपको क्या लगेगा, सर मेरा दिल टूट गया, मुझे बुरा लगा, मेरा अपमान हो गया, मैं वापस आ गया। इन्होंने कहा नहीं, डटा रहूंगा, एजुकेशन मेरी लाइफ बदलने वाली है, मेरे समाज की लाइफ बदल सकती है, मेरे जीवन में उत्थान ला सकती है। इसको पाने के लिए उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य था एजुकेशन। उन्होंने समझ लिया था कि जितना भी मान सम्मान मिलने की जरा सी भी उम्मीद है वो सिर्फ शिक्षा के दम पे है, और कोई तरीका मुझे आगे बढ़ा भी नहीं पाएगा। वो एक लक्ष्य उन्होंने बना लिया, उस लक्ष्य के पीछे कितना ही उनका अपमान हुआ वो माने नहीं। वो क्लास के बाहर बैठते थे, क्लास के कॉन्सेप्ट जो क्लास के अंदर बैठे विद्यार्थी उनसे ज्यादा अच्छे से समझते थे, ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते थे। तो जब भी एडवर्सिटी होती है और आप टिके रहते हैं तो आपको यूनिवर्स का साथ भी मिलता है। जैसे तैसे स्ट्रगल के बीच में स्कूल में पढ़े, टॉप किया, अब बात है आगे कैसे पढ़े। तो बड़ौदा के जो महाराजा थे गायकवाड़ जी, उन्होंने कहा कि चलो मैं तुम्हें फंड करता हूं, अगर तुम पढ़ना चाहते हो, जब तक तुम पढ़ते रहोगे मैं तुम्हें एक वजीफा या तुम्हें स्कॉलरशिप देता रहूंगा। और इनको आगे की पढ़ाई के लिए भैया इंडिया से भी बाहर जाना पड़ा। अब सोचिए दलित व्यक्ति जिसको भारत में ही काफी अपमान सहना पड़ रहा है, उस समय वो बाहर जा रहा है इंडिया के, और वहां भी रंग भेद की नीति चलती थी, गोरा रंग तब था नहीं, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन गए,
घर परिवार समाज सबको छोड़ के और वहां सीखा, और वहां की आईवी लीग में काफी डिग्रियां उन्होंने ली और फिर वापस, अच्छा वहां सेटल हो गए, वहां बड़ी बड़ी डिग्री मिल गई, वहां चाहते तो विदेश में भैया माहौल अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, पैसा अच्छा है, अच्छी नौकरी के वही काम कर लेते, लेकिन उनका नहीं भैया, सेवा करनी है भारत माता की, सेवा करनी है अपने समाज की, समाज को आगे लेना है, वापस आए। जब वापस आए तो महाराज जी ने उनको अपना सेक्रेटरी का एक ऑफिस में जगह दी, वहां पे जब उनका चपड़ासी था, जब ये चपड़ासी से फाइल मंगाते थे, इनका चपड़ासी फाइल गेट के बाहर रख के जाता था कि मैं अगर अंदर आ गया तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। एक अधिकारी को चपड़ासी इस तरह से ट्रीट कर रहा है, सम्मान इनको जीवन में नहीं मिला। तो उसके बाद भी ये माने नहीं, अपना काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, और धीरे धीरे उन्होंने मिलिट्री वाला काम किया, फिर गांधी जी के साथ जुड़े, और जब भारत आजाद हुआ और संविधान बनाने का मौका मिला, सबसे पहले इन्हें याद किया गया, क्योंकि उस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जब बनाया जा रहा था और वो जो मंत्रिमंडल पहला बना था उसके सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति यही थे, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने अपने समाज को आगे आने के लिए इन्होंने कहा कि भैया दलितों के लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था की जाए। उस समय एक मुद्दा था कि भाई दलितों को मंदिर में प्रवेश का किया जाए, ये सारी चीजें थी, बोले सर वो मंदिर में प्रवेश होता रहेगा, इनको पहले शिक्षा दी जाए, और इनकी शिक्षा की व्यवस्था की, और आज धीरे धीरे देखेंगे कि वो समाज जिसको कोई छूता नहीं था, धीरे धीरे सभी अधिकार मिले, और वो मिले एक बंदे की लड़ाई के पीछे, एक बंदे की इज्जत के पीछे, और उसकी ताकत थी, उसकी नॉलेज, उसकी एजुकेशन। तो जीवन में जब भी आप आगे बढ़ने की सोचोगे ना, बहुत सारे लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, समाज, पड़ोसी, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो आपके एंटी होने की कोशिश करेंगे, अपमान करेंगे, 10 बातें बोलेंगे, बट रुकना नहीं है, लड़ना है, याद रखना है इन लोगों को कि इन्होंने कैसी लड़ाई करी, आज इनका समाज में क्या कद है, कि इनमें जयंती मनाई जाती है, राष्ट्रीय स्तर पे छुट्टी की जाती है, ये इनका कद है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपको इस वीडियो में से क्या सीखने को मिला, और कौन सी ऐसी लर्निंग है जो आप अपने बिजनेस में या जीवन में इम्प्लीमेंट करेंगे, और कोई ऐसी घटना जो अम्बेडकर जी के बारे में मैं मेंशन नहीं कर पाया और इंटरेस्टिंग घटना आप मेंशन करना चाहते हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अब मिलते हैं अगले दिन किसी अगली टॉपिक, किसी अगली वीडियो पे, तब तक के लिए आपको सभी को जय हिंद।